वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। इस शो में मैं आपके लिए लेके आती हूँ हर दफा एक अमेजिंग टॉप सेलिब्रिटी ड्रीम टीम पैनल, जिसपे हमारे पास होते हैं एक फैशन फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी मेकर और इवेंट मैनेजर। और इसके साथ साथ एक सरप्राइज एलिमेंट के लिए मैं कुछ ना कुछ प्लस माइनस करती रहती हूँ। और आज जो हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, वो एक बहुत बड़ा प्लस है, और वो तो आप बाद में ही देखेंगे कि वो कौन है। आज का टॉपिक है वलीमा, और वलीमा हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं अपने शो पे, बट हर दफ़ा या पैनल डिफरेंट था, या ब्राइड डिफरेंट थी, या कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ डिफरेंट था। तो आई एम श्योर कि आज का भी आपको वलीमा मेकओवर बहुत अमेजिंग लगेगा, और हमेशा की तरह हमारी ब्राइड बहुत ही खुश होकर यहाँ से जाएंगी। आज आपके लिए एक और सरप्राइज की बात यह है कि मैंने अपना प्रॉमिस रखा है, और मैं आज आपकी ईमेल्स पढ़ने लगी हूँ, जो कि मैंने स्पेशली आज इस शो के स्टार्ट में ही टाइम निकाल दिया, बिकॉज आई नो कि शो जब शुरू हो जाए तो इतना जैम पैक्ड होता है और इतने ज़्यादा मेरे गेस्ट्स होते हैं। तो पहली ईमेल हमारे पास है ज़ोफ़ीशान रहमान की, और वो बोल रही है कि आई एम राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर टू अ टीवी शो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया है। योर शो इज़ अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड वॉचिंग इट एंड दैट मेड मी राइट टू यू, टू थम्स अप फॉर अ ग्रेट शो, प्लीज़ गाइड मी हाउ आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस शो टू, गुड डे, बेस्ट रिगार्ड्स, ज़ोफ़ीन रहमान। थैंक यू सो मच ज़ोफ़ीशान, आपकी ईमेल बहुत ज़्यादा मैं और मेरी टीम वैल्यू करते हैं। और इस शो पे आने का तरीका ये है कि आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भेजना है, ताकि मेरी टीम में से कोई आपको फ़ोन करे, आपकी डिटेल्स लें, और फिर आपको शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो सके। हे, माय नेम इज़ राफिया एंड आई वुड लाइक टू हैव योर हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग माय वेडिंग, इट्स इन सितंबर, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड हेल्प। थैंक यू सो मच राफिया फॉर ट्रस्टिंग इन अस, और थैंक यू फॉर मेकिंग अस फील लाइक हम आपका डे स्पेशल बना सकते हैं, और हम आपके लिए कुछ स्पेशल प्रोवाइड कर सकते हैं आपके स्पेशल दिन पे। तो डेफिनेटली मेरी टीम आपके साथ इन टच होगी, मगर नंबर आप मुझे ज़रूर दोबारा ईमेल करके भेजें। रिफत बुखारी हमें लिखती हैं, हे आई जस्ट सॉ योर प्रोग्राम एंड आई रियली लाइक इट, आई एम गेटिंग मैरिड इन अप्रैल एंड आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड कि मैं किस किस्म की लुक रखूं, किस किस्म का मेकअप हो, ड्रेस कैसा हो, तो मैं क्या चूज़ करूं, और प्लीज़ हेल्प मी इफ़ पॉसिबल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी मेरे पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मेकिंग अस फील लाइक आप हमें ट्रस्ट कर सकती हैं और हमारे शो का हिस्सा बनना चाहती हैं। मेरी टीम डेफिनेटली आपके साथ इन टच होगी। और नेक्स्ट ईमेल हमारे पास है अमल आसिफ की, और वो कह रही हैं कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर टीम्स हार्ड वर्क एंड इंटेलेक्चुअल अप्रोच, थैंक यू अनम। और वो आगे लिखती हैं कि नो अदर चैनल हैज़ येट डन दिस। जी हाँ बिल्कुल, मैं अपने पिछले कुछ एपिसोड में यही बोलती रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट पहले कभी भी किसी चैनल पे नहीं हुआ है, जहाँ पे इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और ब्राइड को अंडर वन रूफ शुरू से लेके एंड तक की सारी तैयारी उनकी शादी से पहले ही उनको हम दें। तो थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग कि ये हमने ही सिर्फ स्पेशल इनिशिएटिव किया है। और आगे वो कह रही हैं कि ड्रीम टीम मैं रेगुलरली देखती हूँ, और मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ, मेरी आई वॉन्ट माई वेडिंग टू बी गिफ्टेड बाई योर टीम्स ब्रेथ टेकिंग जॉब, थैंक यू सो मच। तो ये रही कुछ ईमेल्स जो मैंने आज इंक्लूड की हैं, इंशाल्लाह मैं बाकी शोज़ जैसे जैसे होंगे ज़रूर इंक्लूड करूँगी। हमने अब जाना है जल्दी से एक ब्रेक की तरफ, ताकि हम अपने पैनल को बुला सकें और उनसे कर सकें मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर एंड बी राइट बैक इसी शो पे जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। वलीमा इज़ द पार्ट ऑफ वेडिंग, आप शादी पे जिस तरह लाइक पूरा करते हो फंक्शंस, मेहंदी बहुत होती है, फंकी होती है, फिर बारात, उसके बाद वलीमा होते हैं जिसपे आप सॉफ्टली थोड़ा सा आप जाते हो, ट्रेंड्स को फॉलो करते हो और थोड़ा उसको फॉर्मल में लेके जाते हो। वलीमा पे अब लोग प्रेफर करते हैं ब्राइड भी हो या लाइक आप खुद भी, थोड़े लाइट कलर्स के साथ थोड़े ट्रेंडी सा आप लुक दो, डायमंड ज्वेलरी के साथ आप करते हो तो लाइक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वलीमा पे गोल्ड कम यूजली यूज़ होता है इन माई ओपिनियन, और डायमंड की ज्वेलरी ज़्यादा होती है, और साड़ियाँ भी आजकल चल रही हैं वलीमे पे पहनने के लिए, वर्दन शरारा जो करारा एंड जो कुछ भी हम लोग आजकल वलीमों पर जितना खर्च करते हैं, जो कुछ लेविशली करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वलीमे का जहाँ तक ताल्लुक है, लड़की को खुद नहीं पता होता है कि क्या अगले लड़के वाले क्या कलर चूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो सिंपली लड़के वालों पे डिपेंड करता है। हर तरीके से लड़की को यही होता है कि बस सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही लगे, क्योंकि फंक्शन में और बहुत से लड़कियाँ लड़के अपने आप को वेल सेटल्ड वेल ड्रेस्ड कर आए होते हैं। इसी दिन भी कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए, इतना ज़्यादा शोर शराबा, इतना शो ऑफ हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है मैं पुराने ज़माने की औरत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि हमें सारी जो ये शो ऑफ जिसे कहते हैं आप करते हो, या जो भी कुछ बताना चाहते हो कि हम बड़ा कमाल कर रहे हैं, बड़ी कमाल की शादी कर रहे हैं, हमारी बड़ी मशहूरी होगी, मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से अब हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। अ काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते,
और जो कर सकते हैं वो सारे बस इस रेस में एक तरह से आप कह लो लग गए हैं। इससे बेहतर है कि आप निकाह और रुखसती एक साथ ही कर दें, उसी में आप वलीमा भी कंपनसेट कर दें। इस तरह से हो सकता है कि लड़का लड़की 50-50 डिवाइड कर ले, कि सिर्फ लड़की के घर वालों पर इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े उस चीज़ का। इवन दो अगर आपने हैवी सूट है तो उसके साथ आपका लाइट मेकअप ही चलना चाहिए। बारात पर आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं पहनना चाहिए, लाइक मेकअप में आप बहुत ज़्यादा हैवी इन नहीं है। टू ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। और अब मैं आपको मिलवाने लगी हूँ मेरे अमेजिंग किस्म के ड्रीम टीम के पैनलिस्ट से, जिसमें सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे जिनके हर एपिसोड में हम बहुत ही मजेदार केक्स और मफिन्स और कपकेक्स खाते रहे हैं। एंड शी इज नन अदर देन वर्दा अली ऑफ केक आर्ट्स। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड हाउ आर यू? वी आर गुड, एंड वी हैव बीन एंजॉयिंग योर जो आप मीठे हमें बना के भेजती रही हैं, और आज भी एक सरप्राइज मीठा है जो कि आप पे रिवील होगा थोड़ी देर बाद। एंड देन वी हैव विद अस द वेरी वेरी फेमस ज्वेलरी डिजाइनर शफक हबीब, जो कि इस इंडस्ट्री में तकरीबन 1 करोड़ साल से 3 डेकेड्स इनको हो चुके हैं, और इन्होंने शुरू किया ट्रेंड कंटेम्प्रेरी फंकी और सेमी प्रेशियस स्टोन्स वाली ज्वेलरी का, और जो बाद में बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया और इनकी तारीफें भी की कि आपको इंस्पायर करके हमने इसमें कदम रखा। क्या हाल है जी आप? बिल्कुल ठीक ठीक, आप कैसे? मैं ठीक। और उसके बाद हमारे पास है द अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर डुओ माराम एंड आबरू। आबरू को बहुत मुश्किल से हम लेके आए बिकॉज ये बाय चांस पाकिस्तान आई हुई थी, और माराम जो है वो तो हमारे साथ पहले होती ही हैं, आप इनको बिल्कुल जानते हैं। और इन्होंने कॉलेज में जो अपना है एक शौक और पैशन उसको स्टार्ट किया, उसको एक्सप्लोर किया, और आज इन्होंने इतना काम किया है फैशन इंडस्ट्री में ब्राइडल्स के साथ, और द लिस्ट गोज ऑन। क्या हाल है जी आप दोनों? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? आई एम गुड, और मैं एक्साइटेड हूँ कि आप फिर से मेरे पैनल पे एक दफ़ा आ गई हैं। और देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव विद अस कुकी, जो कि अगेन बहुत फेमस डिज़ाइनर हैं, और इनका जो फोर्टे है वो है कोटोर और ट्रेडिशनल को कोटोर के साथ मर्ज करके प्रेजेंट करने का, और तकरीबन 10 साल हो गए इनको इस इंडस्ट्री में, और आज हमारे शो पे फिर से आए हैं। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू रोशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये इन्हीं का ड्रेस है, और ये आज वेस्टर्न लाइंस पे इन्होंने मुझे ड्रेस अप किया बिकॉज इसकी एक वजह है, और वो वजह भी रिवील होगी एज अ सरप्राइज। तो क्या ख्याल है जी, आई थिंक आज के टॉपिक पे थोड़ी सी गपशप की जाए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आस्क यू कि वलीमे के हवाले से आपका आजकल क्या मूड है, आप किस किस्म के कट्स दे रहे हैं, किस किस्म का कलर पैलेट दे रहे हैं ब्राइड्स को जनरली? मैं नॉर्मली ब्राइड को देख के सजेस्ट करता हूँ कि उसको क्या चीज़ पहननी चाहिए। इफ़ शी इज़ टॉल और उसका कम्प्लेक्शन व्हीटिश है और इवन फेयर भी है तो वो सब कुछ चलता है, बट आई सेकेंड डे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इट शुड बी लाइक वन पीस गाउन होना चाहिए। फर्स्ट डे शुड बी वेरी वेरी ट्रेडिशनल, योर मेहंदी शुड बी वेरी ट्रेडिशनल, बट रिसेप्शन या वलीमा हो तो इट शुड बी वेरी मॉडर्न, और गाउन्स रेकमेंड करता हूँ। अच्छा, तो गाउन्स जो हैं वो मेरा ख्याल है किसी कम ही डिजाइनर्स ने रेकमेंड किए होंगे अपनी ब्राइड्स को, तो आई थिंक ये भी आपका एक फोर्टे मान लिया जाए। बिल्कुल है, और जैसा से हम लोग गाउन्स बनाते हैं उसमें स्लीव्स भी होती हैं, उस पर दुपट्टा भी ऐड किया जाता है ताकि हमारा जो एक लोकल सीन है उसमें ब्राइड्स कैरी भी कर सके, उनको प्रॉब्लम ना हो, दूसरे फॉर्मेट नहीं देते या बहुत रिवीलिंग ना हो, ब्राइड भी लगे और वलीमे का दिन किस हिसाब से सही है। बिल्कुल ठीक है। और कलर पैलेट क्या काम करते हैं? कलर पैलेट तो अगेन अनुषे ब्राइड को देख के सजेस्ट किया जाता है कि उस पर डार्क कलर अच्छा लगेगा, उस पर लाइट कलर अच्छा लगेगा। वैसे सेकेंड डे का जरा पेस्टल पैलेट ही होता है, लाइक शैम्पेन बेज और व्हाइट में भी बनता है, और मेरा ख्याल है कि उस पैलेट के साथ मेकअप तो बहुत ही स्टनिंग होता होगा। इट इज़ सॉर्ट ऑफ इजी एट टाइम्स बिकॉज आप जब हल्के कलर्स का आउटफिट्स होते हैं तो द नेक्स्ट डे हमेशा जो एक बात की जाती है कि ब्राइड बड़ी निखर के आई थी, वो असल में रंग इतने अच्छे हल्के सॉफ्ट पहने होते हैं कि मेकअप इज इन वेरी म्यूटेड टोन्स में अच्छा हो सकता है। इन फैक्ट आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आजकल एक बहुत इट इज़ अ ट्रेंड कि सेकेंड डे पर लड़कियाँ आर वेयरिंग गाउन्स, एंड इनफैक्ट आई डन सो मैनी ऑफ कुकीज ब्राइड्स हु एक्चुअली कम एक गाउन में पहन के और फिर दुपट्टे को हमें वेल की तरह बालों में सेट कर देते हैं जो पीछे ही ड्रेप कर रहा होता है। बिकॉज आजकल कुछ लड़कियों को ये है कि वलीमे पे हम सर पे दुपट्टा ना लें और ऐसे ही ड्रेप हुआ हुआ, बिकॉज चलना फिरना भी होता है, रिसेप्शन का एक ट्रेंड आ चुका हुआ है कि वो पूरे उसमें वॉक अराउंड भी करते हैं। इट्स ईजी
कि उन्होंने एक ही आउटफिट पहना होगा, वो आराम से चल फिर लेंगे। मेकअप भी उसके हिसाब से हम हल्का सा जरा नॉट वेरी आउट देयर ईस्टर्न किस्म का मेकअप करते हैं, ताकि दे शुड मिंगल अराउंड क्राउड के अंदर, सब लोगों से मिलें, बड़ा अच्छा लगता है। इंस्टेड कि वो पहले दिन भी स्टेज पे जाके बैठी हुई हैं और मेहंदी पे भी बैठी हुई हैं, तो सेकंड डे शुड बी अ लिटिल डिफरेंट, राइट। और शफक, ज्वेलरी के लिहाज से जो वलीमे का इवेंट होता है फंक्शन, उस पे क्या चलता है, especially आप क्या recommend करती हैं ब्राइड्स को? जैसे ये बता रहे हैं ना जी, लास्ट डे वलीमे का तो फाइनल डे होता है जी, फिनाले जी, बिल्कुल। और उस दिन तक ब्राइड रिलैक्स भी कर जाती है, यू नो एवरीबडी इज रिलैक्स कि अब शादी की जो टेंशन होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल। सो यूजली गर्ल्स वॉन्ट टू वेयर समथिंग लाइट, और आजकल डायमंड्स काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये मॉडर्न में भी आ जाता है, पर्ल्स बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा शफक, जो डायमंड्स ना अफोर्ड कर सकते हो या फॉर वट एवर रीज़न ना पहनना चाहें, तो उसके लिए भी तो होता है ना अल्टरनेटिव ऑप्शन कोई? जी अल्टरनेटिव्स तो ऑलवेज होते हैं। ज़िरकॉन या कुछ ऐसे? मैं तो यूजुअली ज़िरकॉन यूज़ नहीं करती। अच्छा। लेकिन उसके अलावा आप कुंदन भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसकी भी बड़ी वो सिमिलर लुक होती है और उसको भी मॉडर्न तरीके से बनाया जा सकता है। ऑलराइट। और अक्सर झूमर नहीं लड़कियां पहनती वलीमे पे ना, टीका मगर कुछ पहनना चाहती हैं कुछ नहीं पहनती, अक्सर पहनती हैं टीका, तो टीका वलीमे का जो होता है वो आर यू मेकिंग बिग वंस एक स्टेटमेंट पीस हो या छोटा डेलिकेट हो ताकि पूरे उसके साथ जाए? डायमंड का तो डेलिकेट ही यूजली होता है और वलीमे के दिन छोटा ही होना चाहिए। अच्छा, छोटा ही होना चाहिए, ये भी एक टिप है कि वलीमे के दिन छोटा टीका बेहतर लगेगा, बिकॉज वो कुछ फंक्शन ऐसा होता है, कुछ एम्बियंस ऐसी होती है, जोड़ा एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स द मॉडर्न साइड, तो इंक्लिनेशन अगर मॉडर्न साइड पे जा रही है तो फिर आई थिंक टीका भी छोटा ही जी। वैसे अच्छा भी यूजुअली मेरा जो एम्फेसिस होता है वो एक पीस पे होता है। अच्छा, यू नो अगर नेकलेस हैवी है तो फिर टीका छोटा होना चाहिए, इयररिंग्स भी छोटे होने चाहिए, अगर इयररिंग्स बड़े हैं तो नेकलेस थोड़ा छोटा होना चाहिए। और शफक, कुछ लड़कियों को अब चूड़ियाँ पहनने का शौक नहीं रहा, तो फिर उनके लिए क्या कोई बड़ा कड़ा हो या जी ब्रेसलेट हो, कोई भी चीज स्टेटमेंट होनी चाहिए ना ज्वेलरी में कि पता चले कि आपने ज्वेलरी पहनी। अच्छा अच्छा। और वर्दा, आई वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि आजकल मिठाइयों का ट्रेंड जो है लोग उससे निकलना चाहते हैं कि खैर वलीमे पे मिठाई का इतना रोल डायरेक्टली नहीं होता, बट अक्सर लोग अब वलीमे पे वो गिव अवेज भी देते हैं ना उस वक्त वेटर्स आके गिफ्ट बॉक्सेस, तो आपका क्या प्लान है? अभी तो काफी अब इन हो गया है यहाँ पे, क्योंकि एज यू नो कि इट वाजंट सो common in Pakistan to have a wedding cake. We were regularly with our traditional halwas and stuff. हमारी जो traditional sweets होती हैं। अब जैसे कि अभी इन्होंने बोला है कि gowns की तरफ आ रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि वलीमे पे एक reception की तरह एक centerpiece हो, जो कि हम एक केक, क्योंकि काफी एक obvious चीज होती है, ठीक है? Tiered cake जिस तरह से। हाँ, tiered cake, exactly, हाँ। Very high. और ये tiered cake पहले सिर्फ बाहर के मुल्कों में Christian weddings पे use हुआ करता था, ज़्यादा common थे। आप कह रही हैं कि introduce हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और हम अपने अकॉर्डिंगली उसकी डिजाइनिंग, हम अपने थीम के अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं इस वक्त के हमारे इवेंट मैनेजर कहाँ गए और ये कुर्सी क्यों खा रहे गए, तो वो अभी आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ वो अपने हमारे लिए ही और हमारी ब्राइड टू बी के लिए अरेंजमेंट्स फाइनल करें। सो ही विल जॉइन अस आफ्टर दिस ब्रेक। आप जाएं हमारी ब्राइड से मिलें, वापस आएं इसी शो पे जिसका नाम है ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। हाई, आई एम कमल, आई एम अ सिंपल पर्सन, आई लाइक टू वॉच मूवीज, मूवीज में मुझे हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद हैं, मुझे ड्रामेटिक मूवीज़ बहुत पसंद हैं। इसके अलावा पेंटिंग में मैंने बैचलर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से। पेंटिंग में मुझे नेचर बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, मुझे फैशन से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं बहुत से ट्रेंड फॉलो भी करती हूँ। इस तरह से एक ट्रेंड है ओल्डी गोल्डी, यानी 70s और 80s का जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ माई ग्रेजुएशन इन पेंटिंग मैंने एनसी में एडमिशन लिया। नाउअडेज आई एम वर्किंग एज अ मॉडल, एंकर एंड अ होस्ट। सो आई होप लेट्स सी इन द फ्यूचर क्या होता है, विश मी बेस्ट ऑफ लक, लेट्स सी योर प्रेयर्स आर विद मी, थैंक यू वेरी मच।